अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है। तो उधर से हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इधर हमने जो लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट गिवन है, हमने उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। पहला काम तो ये करना कि ये ए और बी दो पॉइंट गिवन है, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और उससे नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, यानी अगर दो पॉइंट ए और बी है, अगर इनको आपस में ज्वाइन करवा दें, इन्हें मिला दें, तो फिर एक लाइन बनेगी ए बी। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हमने उस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर दिया। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हो, अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखना चाहें तो अगर एक पॉइंट ए है और दूसरा बी है, अगर इसकी वैल्यू एक्स वन और वाई वन है, इसकी वैल्यू एक्स टू और वाई टू है, तो जो डिस्टेंस होगा ए बी के दरमियान, इसका फार्मूला होगा एक्स टू माइनस एक्स वन इसका स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम कोई भी दो पॉइंट ए बी और इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये ए बी असल में दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा और ये इसका जनरल फार्मूला है, इसकी मदद से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लेकर बात करने चाहेंगे दो पॉइंट है ए और बी, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। तो ए बी, तो जब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये एक्स वन और वाई वन, ये एक्स टू और वाई टू, तो ये दो पॉइंट आ गए। तो डिस्टेंस फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू इधर माइनस टू है और एक्स वन की वैल्यू माइनस टू, तो इसका होल स्क्वायर। इसी तरह वाई टू और माइनस वाई वन इसका स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। तो जब इसे ऐड करेंगे तो माइनस फाइव आ जाएगा इसका स्क्वायर, इसी तरह इन्हें ऐड करेंगे तो ये भी माइनस फाइव इसका स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर। तो जब माइनस फाइव का स्क्वायर है, जब इसे ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस में से और जब फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इधर 25 आ जाएगा, इधर भी इसी तरह 25 और इस सारे का होल स्क्वायर। ऐसे लिखने जब ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 25 और 25 50। अब 50 को ऐसे लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों का अगर स्क्वायर को अलग करना है, 25 का स्क्वायर को अलग करना है उसका अलग, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा और 7 2 का स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। ये ए और बी के दरमियान डिस्टेंस होगा 5 2 का स्क्वायर। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इससे नेक्स्ट सेकंड इसका पार्ट ये है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। तो हमने दो पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है। दो पॉइंट अगर बनाए तो एक लाइन बनेगी और उस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ, अगर मिड पॉइंट का फार्मूला देखें तो अगर यही दो पॉइंट है ए और बी, तो अगर हमने इनके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है, अगर ये लाइन ए बी है तो लेट कर इसका मिड पॉइंट को ये काटना है ये। अब ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। तो ये जनरल फार्मूला, कोई भी दो पॉइंट हो तो इस फार्मूले की मदद से हम उस दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है उनका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते।
अब वो मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो जब ए बी का वैल्यू लगभग दे सकते हैं, यही है ए और ये बी, तो जब मिड पॉइंट यूज करेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसे हम एम से भी नोट कर सकते हैं। तो एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन की वैल्यू 3 और एक्स टू की वैल्यू -2 ओवर 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 1-4 यानी y1 plus y2 1 minus 4 ओवर 2, तो ऐसे कर देंगे। अब ये m आ गया, इसमें से 2 में से 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 2। इसी तरह इधर माइनस करेंगे तो -3/2, तो ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 1/2 और -3/2, ये मिड पॉइंट ऑफ फाइंड करना था, यही इसका मिड पॉइंट है। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.1 का, कि शो दैट ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि ये एक राइट ट्रायंगल के 3 वर्सेस है। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये तीनों मिलके एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। साधा मतलब में ये है कि ये 3 पॉइंट है, तीनों मिलके एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो राइट ट्रायंगल के लिए हम इस ट्रायंगल की 3 साइड है, तीनों फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ये साइड फाइंड करें ए बी, तो अगर ए बी फाइंड करना है तो इस पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ए बी अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस, ये एक्स वन और वाई वन होगा, ये नंबर एक्स वन और वाई वन, ये एक्स टू और वाई टू। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 3 का स्क्वायर रूट -0, 3 का स्क्वायर रूट -0, इसका स्क्वायर रूट फिर आगे प्लस वाई टू माइनस वाई वन, -1 और -2, इसका स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर रूट। तो इसे माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, इसे करेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 3 और 3 3 9 ऐड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी। तो हमने इसकी जो साइड ए बी है वो फाइंड कर ली। इसी तरह अगर हम बी सी फाइंड करें, अगर इसकी साइड बी सी फाइंड करते हैं तो बी सी हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा जब क्या होगा, इसे हम एक्स वन और वाई वन क्या लेंगे, इसे एक्स टू और वाई टू, तो वही फॉर्मूला डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसके बाद वाई टू माइनस वाई वन -2 और -1 इसका स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर रूट। तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है, -1 प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 1 को ओपन करेंगे तो -1 प्लस 1 में चेंज हो जाएगा और सारे का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ गई बी सी की। अब इसकी थर्ड साइड आनी है ए सी, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ए सी, ए सी में सी माइनस 3, अब इसका रिजल्ट चेंज होगा, तो इसे आप ऐड कर देते हैं, ये एक्स वन और वाई वन है, ये एक्स टू और वाई टू है। तो ए सी के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ गया प्लस वाई टू माइनस वाई वन, -2 और -2 ऐसे आ जाएगा, -2 और -2 इसका स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर, ये 0 आ गया, ये माइनस का माइनस ऐड कर
हमने प्रूव ये करना है कि ये तीनों साइड में मिल के एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमने राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो अगर तो इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया तो फिर ये राइट ट्राइंगल होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम उसकी जो स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर इन दो का स्क्वायर इस थर्ड साइड के इक्वल आ गया तो फिर ये प्रूव होगा कि ये राइट ट्राइंगल है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसलिए हम ये चेक करते हैं कि अगर ये होल्ड कर दिया तो फिर ये राइट ट्राइंगल होगी। तो ए बी ए बी के बाद 12 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसके बाद बी सी है उसकी वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है। इसके बाद ए सी है, ए सी का भी 4 है तो इसका स्क्वायर। अब ये कैंसिल होगा तो 12 आ गया, ये कैंसिल होगा तो 4 आ गया। इसे ओपन करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे 12 और 4 ये भी 16, राइट साइड पे भी 16 तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट का इक्वल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया, इसको मतलब है कि ये क्या भी लेकर राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड तो हैंस प्रूव ए बी एंड सी फॉर्म राइट ट्राइंगल, हैंस प्रूव ए बी एंड सी फॉर्म राइट ट्राइंगल। तो आज के लेक्चर में हमने यही दो क्वेश्चन डिस्कस करने थे। इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।